फोर्थ क्लास का पेज नंबर 8, फर्स्ट लेसन का पेज नंबर 8, फर्स्ट बीट। सही विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए, मतलब ये आंसर्स दिए सो है, या आंसर्स क्वेश्चन पढ़ के आंसर लिखना। अपन पोएम है ना, पोएम पढ़े ना, उसमें से ये क्वेश्चन दिए सो है, आंसर लिखना है। बच्चे किससे प्रार्थना कर रहे हैं? ईश्वर से। बच्चों ने ईश्वर का क्या कहा? बंधु सखा दोनों कहा। बच्चों ने स्वयं को कैसे फूल बताया? कल खिलने वाले, खिले हुए, मुरझाए हुए, खिले हुए। नया शब्द का क्या अर्थ है? नाव, छाँव, पाँव, नाव। ठीक है, ये क्लास वर्क में भी लिखना और टारगेट में भी बिना देखे लिखना, क्योंकि FA1 में तुमको आएगा, पूरे पढ़ना है। और पेज नंबर 9 का फर्स्ट बीट और सेकेंड बीट, दिए गए शब्दों में उचित मात्राएं लगाकर नए शब्द बनाइए। ज्ञान, ज्ञानी, यानी ई की मात्रा लगा दिया तो नया शब्द बन जाता। भग, भाग, प्यार, प्यारा, भरत, भारत, मत, माता, हर, हारा। तो यहाँ पर भरत को अपन क्या करें, भारत बना दिया, ये आ की मात्रा लगा के, बड़ी आ की। मत को माता बना दिए, आ की मात्रा लगा के दोनों को। हर को हारा, दोनों को आ की मात्रा लगाए। यहाँ पर क्या है, ई की मात्रा लगाए, यहाँ पर आ की मात्रा, यहाँ पर आ की मात्रा। तो इसलिए ये शब्द आप लोग टारगेट में पढ़ना, बिना देखे लिखना घर में। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकेंड बीट। कविता में से वे शब्द छाट कर लिखे जिनमें ई की मात्रा, कविता पढ़ना उसमें से लिखना है, देखो ई की मात्रा लगी हो, जैसे पिता, सिवा, खेलेंगे, दृष्टि। ए की मात्रा लगी हो नैया, खेवैया। ओ की मात्रा लगी हो तुम्हें, बंधु, तुम्हारे। ओ की मात्रा वाले शब्द लिखना है आपको, यहाँ ई की मात्रा वाले शब्द लिखना, यहाँ आई की मात्रा वाले शब्द लिखना, यहाँ कहीं के ऊ की मात्रा वाले शब्द लिखना है। धन्यवाद।